हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अंजलीज ब्लॉग में। तो आज है, डेट है 20 ऑफ जुलाई और आज से एक्यूरेट मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम एक महीने के अंदर हो जाएगा अगस्त में। तो आज से मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मैं कितना पढ़ाई करती हूँ और कितना पॉसिबल हो पाता है एज ए हाउस वाइफ घर के काम वाम करके पढ़ाई करना। तो आज सुबह से मैं सोची थी कि सुबह उठ के पढ़ाई करूँगी, लेकिन सुबह उठ के पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए क्योंकि सुबह नींद खुलता ही नहीं है। रात में कितना भी जल्दी सो लो या फिर कितना भी लेट सो। तो अभी बज रहे घड़ी में 8, तो सबसे पहले मैं किचन का काम वाम फिनिश करके आती हूँ, पढ़ाई करने के लिए बैठूँगी। नित्यांश अभी भी सो रहा है, तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ किचन का काम फिनिश करने के बाद। तो यहाँ किचन में थोड़े से बर्तन गंदे थे तो मैं वो सब धो रही हूँ। ऐसे तो मैं नॉर्मली रात में सारे बर्तन धो लेती हूँ, तो ये छोटे मोटे से बर्तन इधर उधर गंदे रह गए थे तो मैं वो सब एक जगह इकट्ठा करके सब धो रही हूँ और किचन पूरा क्लीन कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ से बट मुझे साफ़ सुथरा किचन पसंद है। मेरा किचन साफ़ रहता है तो मेरा माइंड फ्रेश रहता है, मुझे खाना बनाने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ नित्यांश अभी सोया हुआ है, किचन मेरा क्लीन हो गया। अब मैं रूम में आई हूँ, अपना रूम क्लीन करूँगी। तो देख सकते हैं रूम का हालत आप लोग, कैसे मैसी सा हो गया है, सारा चीज़ इधर उधर बिखरा हुआ है। तो मैं रूम को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। सबसे पहले नित्यांश का कपड़ा धोई थी तो वो फोल्ड करके रख रही हूँ। मैं नित्यांश का कपड़ा ऐसे रखती हूँ, इसमें थोड़ा एयर भी पास होता है तो अच्छा लगता है, बच्चा का कपड़ा अच्छा रहता है। और फिर यहाँ पर मैं बेड सजा रही हूँ। बच्चा का घर में गंदा हो ही जाता है, नित्यांश नहीं था तब मेरा रूम मतलब एक बार अगर क्लीन कर ली सुबह तो रात तक वैसे ही रहता था। और अब मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को और रात का दिखाऊंगी, रात होते होते रूम का हालत कैसा हो जाता है। तो बेड वेड झाड़ के रूम वूम सरिया के और फिर मैं नित्यांश का सारा खिलौना इधर उधर जो फेंक के रखता है उसको मैं सरियाऊंगी और फिर सारे रूम में झाड़ू लगा के अच्छे से क्लीन करूंगी झाड़ू पोछा। तो झाड़ू पोछा होने के बाद फिर यहाँ मम्मी घर का अमरूद तोड़ी थे वो खाई और फिर मैं भी नहा के फ्रेश हो चुकी हूँ, सारा काम फिनिश। अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, यहाँ थोड़ा नित्यांश का बकबक सुनिए। तो यहाँ मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ चुकी हूँ, घर का सारा काम फिनिश करके नित्यांश को नाश्ता वास्ता करा के वो भी मेरे साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ मैं 2 घंटा का टाइमिंग लेके पढ़ने के लिए बैठी हूँ, फिर मुझे लंच बनाना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले अभी रीजनिंग बना रही हूँ। तो मैं कौन से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ आप लोगों के मन में चल रहा होगा तो मैं बता दूँ, मैं GSSC CGL का प्रिपरेशन कर रही हूँ जो कि एक बार एग्ज़ाम होके कैंसिल हो चुका है और अभी होने वाला है अगस्त में। तो यहाँ वही मैं रीजनिंग बना रही हूँ और नित्यांश देख सकता है मुझे बहुत परेशान करता है, वो बहुत अट्रैक्ट करना चाहता है अपने साइड लेकिन फिर भी मैं उसे इग्नोर करती हूँ। तो यहाँ वो भी खेल रहा है पेन और कॉपी से, वो भी लिखने मतलब पेन पकड़ने अच्छे से सीख गया है इस कारण से। फिर यहाँ वो खेल रहा है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा रीजनिंग 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, जो भी मैं क्वेश्चन लेके बैठी हूँ उसके बाद फिर मैं खोटा पढ़ूंगी। तो खोटा मैं शिवांगन पब्लिकेशन का पढ़ती हूँ। नित्यांश को उसकी दादी बहुत कोशिश करती है कि वो उसके पास खेले तो मैं पढ़ाई करूँ अच्छे से, मुझे टाइम मिले पढ़ाई करने का, लेकिन वो बहुत बदमाश है। वो मतलब जब वो देख लेता है कि मम्मा पढ़ाई करने के लिए बैठी है तो फिर कहीं कुछ नहीं खेलता है, उसको आके मेरे पास ही बैठना है। उसको चाहे वो पेन से खेल ले, कॉपी से खेल ले, कुछ लिख ले, लेकिन बाहर कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे पास ही बैठा रहेगा। देख सकते हैं आप लोग, जितने देर मैं पढ़ाई करने बैठूँगी उतने देर वो मेरे साथ मेरे पास ही रहेगा। जब वो देख रहा है कि मम्मा उसकी तरफ नहीं अट्रैक्ट हो रही है तब वो धीरे धीरे से सारा पेन उठाएगा और भाग जाएगा दादी के पास। देख सकते हैं आप लोग कैसे वो भाग गया, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो वापस आएगा, मुझे पता है। देखिए आके मेरे साथ खेल रहा है, वो उधर छिप रहा है और बोल रहा है मम्मा खोजो। वो चाह रहा है कि मेरे साथ मम्मा खेले, देखिए बस उसका हरकत आप लोग देखिएगा कैसे कैसे कर रहा है वो। लेकिन जब वो देखेगा कि मम्मा मेरे साइड नहीं देख रही है, मुझे पे ध्यान नहीं दे रही है, तो फिर वो चला जाएगा दादी के पास।
अभी स्लॉट वन पढ़ाई का मैं कंप्लीट कर ली हूँ 2 घंटे का। और नित्यांश को अब देखना है, क्या देखना है बेटू? टीवी। तो अभी ये देखेगा टीवी। तो उससे पहले थोड़ा नित्यांश से कुछ कुछ बात करते हैं। नित्यांश, इसका नाम आच्छू है ना? क्या नाम है? आच्छू। शर्म आ रहा है क्या? और ये बहुत अच्छा से वेलकम करता है यूट्यूब चैनल का, तो आज ये करके दिखाएगा आप लोगों को। करके दिखाओ तो बेटू। हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या बोलता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, अगर आप लोगों को समझ आता है तो मुझे समझा दीजिएगा। हाय गाइस, व्हाट आर यू नानू जी? इधर घूमो। ऊपर जो फोटो है वो बाबू कौन है? बाबू। क्या नाम है बाबू का? क्या नाम है? आच्छू। आच्छू। आच्छू क्या करेगा अभी? क्या करोगे अभी? कुछ। पढ़ाई हो गया? सुनो सुनो, पढ़ाई हो गया आच्छू का? पढ़ाई? हाँ। मम्मा को तो तुम पढ़ने नहीं देते हो, बहुत परेशान करते हो। मम्मा को किसी का? सुनो, टीवी देखना है? हाँ। मम्मा को किसी करो, बोलो मम्मा। मम्मा टीवी ऑन करो। टीवी ऑन आऊ? आऊ। टीवी बाय कर दो, बोलो बाय गाइस। बाय गाइस। बाबू टीवी देखेगा? बाबू टीवी देख। हाँ। ये पॉप। हम्म, ये पॉप लॉलीपॉप। हाँ। कौन ला दिए थे अभी लॉलीपॉप? हाँ? अभी कौन ला दिए थे? नानू। अभी तुमसे मिलने कौन आए थे? नानू। नानू। हाँ। नानू का नाम क्या है? हाँ? नानू का नाम क्या है? पत्थर। और दादू का नाम क्या है? कुकुल। और दादी का नाम? लाला। नानी का नाम? माया। मम्मा का नाम? लेकी। और पापा का नाम? हाँ? पापा का नाम लेखी। तो यहाँ नित्यांश को टीवी ऑन कर दी हूँ और अब मैं जाऊँगी लंच का प्रिपरेशन करने के लिए, और ये थोड़ा देर टीवी देखेगा दादी के साथ। और हमारा कूलर ख़राब हो गया था तो यहाँ कूलर ठीक करने के लिए भैया आए हुए थे, और यहाँ मम्मी सब्जी काट रही थी। अब मैं खाना बनाऊँगी, मम्मी जाएगी नित्यांश के पास। तो यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ, भुजिया और दाल चावल चढ़ा हुआ है, दाल बन गया है। तो जल्दी जल्दी से मैं लंच बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फिर शाम में सो के उठी तो यहाँ पे मैं भुट्टा खा रही हूँ। बारिश हो रहा था, बारिश में भुट्टा बहुत पसंद है मुझे, तो ऐसे भी पसंद है भुट्टा, जब मिल जाए मैं खा लूँ। दोपहर में मैं नित्यांश के साथ सो गई थी 2 घंटा। तो दोपहर में खाना वाना खा के नित्यांश को सुलाने लगी थी, साथ में मुझे भी नींद आ गया तो पढ़ाई नहीं हो पाया। तो ये है मेरा स्टडी का सेकेंड स्लॉट। शाम में अभी 6 बज रहे हैं, देख सकते हैं आपको शाम हो चुका है। तो अभी मैं 6 से 8 2 घंटा का पढ़ाई करूँगी, फिर खाना बनाने के लिए किचन जाऊँगी। तो मैं 2 घंटे के बाद मिलती हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ आदर्श भी पढ़ाई कर रहा है और मैं भी पढ़ूँगी खुट्ठा। ये शिवांगन पब्लिकेशन का है, खाटी खुट्ठा, जो जैसे सकते हैं आप लोग। तो अभी मैं ये सब तो बाद में रिवीजन कर लूँगी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। अभी मैं ये लेखक परिचय पढ़ रही हूँ, ये याद करूँगी। तो खुट्ठा पढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ झारखंड पढ़ रही हूँ, झारखंड का MCQ याद कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और फिर ये हालत देख सकते हैं आप लोग घर का, मैं सुबह बोली थी ना आप लोगों को शाम का हालत दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरा बुक भी फाड़ दिया नित्यांश, इतना बदमाशी किया कि मैं गेट लगा के उसे बाहर उसकी दादी के पास छोड़ कर आई हूँ पढ़ाई करने के लिए। परेशान करके रख देता है बदमाश, दो दो बुक फाड़ा, एक ये खुट्ठा वाला भी और एक वो झारखंड का भी, वो सबसे पहले वाला पेज फाड़ के फेंक दिया मेरा बुक का। तो फाइनली 2 घंटा किसी तरह पढ़ाई करने के बाद, 2 घंटा क्या, 2 घंटा में आधा घंटा बदमाश के कारण वेस्ट हो जाता होगा मेरा। फिर मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ जो मैं नित्यांश को होममेड सेरेलैक्स खिलाती हूँ उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। काजू और बादाम को फ्राई करके रखी हूँ, और ये मैंने स्विगी से पनीर चिल्ली ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो बस मैं रोटी बना रही हूँ, पनीर चिल्ली और रोटी खा लूँगी, और इधर नित्यांश का खाना का भी तैयारी कर रही हूँ। ये अगर आप लोगों को इसका ब्लॉग देखना है तो मैं एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना के अपलोड की हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। मम्मा
मेरा नित्यांश केक खा रहा था, उसके पापा उसे ला दिए थे, उसे बहुत पसंद है केक, तो यहाँ मैं उसे छेड़ रही थी कि मैं भी खाऊंगी। तुम और दादी खा जाना, एक बार और ले ले मम्मा, एक बार बेटा, एक बार प्लीज। ले ले, यम। तो यहाँ काजू बादाम और चावल जो मैं फ्राई करके रखी थी सबको अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ पतला करके, और फिर दूध में उबाल के बच्चे को खिलाया जाता है। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है पूरा कंप्लीट होने के बाद। फिर सबको भूख लग गया था तो मैं यहाँ सबको डिनर निकाल के दे रही थी, सबको ही खाना खा लिया, और फिर मेरा किचन भी एकदम क्लीन हो गया है। सुबह का कोई झंझट नहीं, मैं आराम से लेट नाइट पढ़ाई करके सुबह उठ सकती हूँ। तो अब नित्यांश को सुलाने आ गई हूँ। बोलो बाय गाइस, बाय गाइस, गुड नाइट। अब एग है, कहाँ एग है, ये एग है, किसका एग है, डायनासोर का एग है। हाँ तो नित्यांश को सुला दी हूँ, और अभी टाइम देख सकते हैं आप लोग, लगभग 12:15 बज चुका है। अब मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। उसे सोने में बहुत टाइम लगता है, नॉर्मल बच्चा जैसे वो आराम से बिल्कुल नहीं सोता है, उसी में मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे मैथ्स बना रही हूँ, रात में नींद नहीं आने के लिए मैं सबसे पहले मैथ्स लेके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है, मेरा ऑनर्स पेपर भी मैथ है, मुझे मैथ बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पहले मैं 1 घंटा मैथ्स बनाऊँगी। तो मैं आज एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर ली हूँ, मतलब फिर से रिविज़न स्टार्ट की हूँ, स्टार्टिंग सारा चैप्टर से। तो आज एलसीएम एचसीएफ सोल्व कर रही थी मैं, तो लगभग 1 घंटा मैथ्स बनाने के बाद फिर मैं साइंस पढ़ूँगी। साइंस का भी मेरा नोट्स, मैं जो खुद से प्रिपेयर की हूँ नोट्स, उसे रिवीजन करूँगी, दूसरा कोई भी अभी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ूँगी। एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो दिमाग में सब खिचड़ी बन जाता है। जो भी पढ़ी हूँ बस उसी को रिवाइज करूँगी और पीवाईक्यू देखूँगी। तो 1 घंटा हो गया, मुझे पानी प्यास लगा था, मैं पानी लेने गई, तब तक देखिए मेरा फ़ोन ही डिस्चार्ज हो गया था, तो उसके बाद का मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो आज का ब्लॉग यहीं तक।